हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बता फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर आप लोग लिए हाई रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है आंखों के नीचे काले घेरे, डार्क सर्कल। आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, कालापन आ जाता है, आंखें सूज जाती हैं, सूजन होती है, आंखें अंदर की ओर धस जाती हैं, तो बहुत ही गंदा लगता है। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसे कंटिन्यू आप 7 डे कर लिए ना, तो आपकी आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं, आंखों के नीचे जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको खूब सारा पानी पीना होगा, देर रात तक आपको जगना नहीं होगा। देर रात जगने का मतलब ये होता है जब देर रात तक हम फोन चलाते हैं, नींद हमारी पूरी नहीं होती है, इस वजह से भी हमारी आंखें सूज जाती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी और हरी सब्जियां भी खानी होगी, टेंशन कम लेना होगा। जब टेंशन बहुत ज्यादा होता है ना, इस वजह से भी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए आज की रेमेडी, इसे बनाते कैसे, इसे लगाते कैसे हैं, इसके रिजल्ट आपको 7 डे के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो बबीता राज के नाम से। चलो फिर, ये पहला स्टेप है, इसके लिए आपको चाहिए कॉफ़ी। और यहाँ पे जो मैं कॉफ़ी ले रही हूँ 1 स्पून लूँगी। कॉफ़ी के फ़ायदे तो आप सभी जानते हो। कॉफ़ी हमारी स्किन को वाइट करती है, ब्राइट करती है, टाइट करती है, स्किन को हाइड्रेट रखती है, हील करती है, स्पॉट्स को दूर करती है। तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून कॉफ़ी लिया है। अब इसके बाद जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, वो ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी। जी हाँ, आपको कस्तूरी हल्दी लेना है। कस्तूरी हल्दी आपके पास नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी ना लेकर के, बल्कि जो गाठ वाली हल्दी आती है उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसे लीजिएगा। चुटकी भर आपको हल्दी लेना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुड़ पाया जाता है, साथ ही स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, रंगत को निखारता है, और अगर आपके डार्क स्पॉट्स पड़ चुके हैं बहुत भयानक वाले, तो उसे दूर करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। अब इसमें हम जो ऐड करने जा रहे हैं, वो ले रहे हैं एलोवेरा जेल। आपको 1/2 स्पून लेना है और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल आपको सूट नहीं करता है, या आपके पास नहीं है तो आप हनी लीजिएगा, ठीक है। हनी और एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं, और हमारी स्किन से जो स्पॉट्स होते हैं, स्किन इक्वल नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। हमारी स्किन को ये रेमेडी हील करेगी, मॉइस्चराइज रखेगी और साथ ही हमारे स्पॉट्स को भी दूर करेगी। इसे लगाते कैसे हैं, वीक में कितने दिन लगाना, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ पाएंगे और इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और साथ ही साथ आपकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स है, स्किन लूज हो चुकी है, तो आज जो रेमेडी आपको मैं 3 स्टेप बताऊँगी ना, ये सारी प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ उसे लगाते कैसे, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले और जल्दी मिले। तो आपको ये रेमेडी रात में लगानी है, ठीक है। रात में सोने के पहले फेस को अच्छे से क्लीन कीजिएगा और आंखों के नीचे जहां काले घेरे हैं वहां आपको इसे लगा लेना है और 5 मिनट के बाद छोड़ देना है। फिर 5 मिनट के बाद आपको एक लेयर लगा लेनी है और ये रेमेडी आपको 7 डे कंटिन्यू लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक एक दिन गैप करके लगाना है, ठीक है। 7 डे कंटिन्यू कर लिया ना, उसके बाद आपको एक एक दिन गैप करके लगाना है। 15 मिनट के बाद इसे आपको हटा देना है। जब आपकी स्किन पे ये अच्छे से सूख जाएगा 15-20 मिनट में, तो आपको एक कॉटन के कपड़े को पानी में डिप करके, जैसे मैं हटा रही हूँ ऐसे हटा लेना है हल्के हाथों से, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो आपको 2 बार यूज करना है, एक बार नाइट में और एक बार डे में यूज करना है, और उसे कंटिन्यू उसे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये दूसरा स्टेप है, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए ना, तो इसे आप कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा, एक दिन किया फिर छोड़ दिया, आप करोगे ना तो सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो दूसरा जो रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए आलू। आलू में विटामिन सी होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और साथ ही जो आलू है ना, हमारे डार्क सर्कल, हमारी झुर्रियों और रिंकल्स को दूर करने के लिए ताकत रखता है। तो यहाँ पे आपको आलू का जूस निकाल लेना है, आलू को छिलके कद्दूकस करके पानी इसके निकाल लेना, निचोड़ के। तो यहाँ देखिए मैंने आलू का पानी निकाल लिया था, ये 2 घंटे पहले मैंने निकाला था, फिर भी आप कह सकते हो ना आलू का पानी मेरा काला क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें मैंने 1/2 स्पून लेमन जूस ऐड कर दिया था, इस वजह से आलू का पानी काला नहीं पड़ा है। तो आपको भी
पोटैटो जूस में लेमन जूस ऐड कर लेना है हाफ स्पून, अगर आपको नींबू सूट करता है आपकी स्किन को तो ठीक है। तब यहाँ पे एक मैंने बाउल लिया है और इसमें जो मैंने आलू का पानी निकाला था उसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो लेंगे खीरा, और खीरे को कद्दूकस करके इसका भी जूस निकाल लेना है। जितना आपने आलू का पानी लिया है उतना ही आपको खीरे का भी जूस लेना है, खीरे का भी पानी लेना है। खीरा हमारी स्किन को हील करता है और हमारी स्किन पे नमी बनाए रखता है, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और आप सब जानते हो आलू और खीरा स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और साथ ही स्किन को टाइट करने की, इस झुर्रियों को दूर करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इस रेमेडी को अगर आप कंटिन्यू 7 डे कर लिए ना, तो उसके पहले आपको उसके रिजल्ट तो मिल जाने हैं। यहाँ पे मैंने आलू का जूस और खीरे का जूस दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और लेमन जूस भी मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कॉटन पैड, ये देखिए, और इसके दो हिस्से कर लेने हैं। इससे क्या होगा ना, ये आपकी आंखों पे बहुत अच्छे से टिका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लेती हूँ, और यहाँ कट कर लिया मैंने, और इसे मैं इस पानी में डिबो दूंगी। कम से कम इसे मैं डालूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर से फ्रिज में से स्टोर कर दूंगी, ठीक है, जिससे ये बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी हो जाएगा और आंखों को एक ठंडक भी मिलेगी, ताजगी भी मिलेगी, आंखों की जो सूजन है वह भी दूर होगी, थकान भी दूर होगी, ठीक है। तो इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 10-15-20 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसे निकालती हूँ, फिर आंखों पर लगा के दिखाती हूँ इसे लगाते कैसे हैं। और इसे आपको 2 बार यूज करना है एक दिन में, एक बार आपको दिन में डे में, और एक बार आपको रात में सोने के पहले इसे लगाना है। चलिए इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अब अपनी आंखों पे रखती हूँ। कैसे रखना है ये देख लो आप, और आप चाहो तो पूरी आंखों पे भी रख सकते हो, कॉटन जो होता है ना उसे भी इसमें डाल करके आप आंखों के ऊपर भी रख सकते हो। अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है और थकान महसूस हो रही है, सूजन है, तो ये सारी प्रॉब्लम ये दूर कर देता है। तो यहाँ पर मैंने रख लिया, अब इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैं ऐसे रख के लेटी रहूँगी, और आपकी आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस है ना, पोटैटो का स्टार्च, ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, ठीक है। तो 15-20 मिनट मैंने से अपने आंखों पर ऐसे रख लिया है, ऐसे आपको भी रख लेना, आपको अपने आंखों के ऊपर भी रखना है। अगर आपकी आंखों के ऊपर प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, तो ये आपको वहाँ भी रख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रेमेडी आप यूज़ कर रहे हो ना, तो एक पेस्ट टेस्ट जरूर कर लिया करो, पता नहीं आपको सूट करे या ना करे। और आप चाहिए तो पूरे फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, छाइयाँ हैं, स्किन इक्वल नहीं है, डार्क हो चुकी है, तो जैसे मैं लगा रही हूँ। और इसे आपको फेस को क्लीन नहीं करना है, ठीक है। अब आपका तीसरा स्टेप है, इसे भी आपको फॉलो करना है, कंटिन्यू 7 डे करना है। तो आपको लेना है आइस क्यूब, ठीक है, और अपने आंखों के नीचे इसे लेकर के 5 मिनट तक मसाज करना है, ठीक है, सर्कुलेशन मोशन में। डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट करती हूँ, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन की। आपको कॉटन की कपड़े आइस क्यूब को लपेट के और मसाज करना है, और ये 5 मिनट मसाज कर लोगे तो आपकी आंखों के नीचे जो सूजन है वो भी दूर होगी, आपकी स्किन वहाँ की टाइट भी होगी, और साथ ही आपकी जो डार्क सर्कल हैं बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। ये तो आपको करना ही करना है। अगर आपने सिर्फ 7 डे कर लिया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए रिजल्ट कैसे मिले आपको, ठीक है। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, और आप चाहो तो इसके बाद पानी से फेस को क्लीन भी कर सकते हो। तो चलती हूँ, बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप अपना।